कहाँ पे? साइड में जो राम मंदिर भी है। तो हमारा शूट जो है वो खत्म हो गया। Let's go. सो गया था, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है एक थोड़ा सा, आज बड़ा दिन है, मतलब कि आज आप देख रहे होंगे मैंने ऐसा कुर्ता उर्ता पहना है और हिमाचली टोपी पहनी है। तो आज शूट है एक गाने का, राम गाने का नाम है मेरे राम। तो गाना जो है वो लिखा है मैंने, कंपोज भी मैंने किया है, और उस गाने को हम शूट करने जा रहे हैं अभी बाबा बड़ो, जो नगरोटा से थोड़ा सा कहीं तो आगे है, हमें भी नहीं पता, हम मैप देख के जाएंगे। और हाँ, हमारे साथ हैं पुष्पा, बहुत दिन के बाद। मैं भी वैसे बहुत दिन के बाद ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, इसीलिए पुष्पा भी आज बहुत दिन के बाद आए मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शूट कैसा होता है, और बाबा बड़ो वाला जो मंदिर है बहुत ही ऐसा क्रेजी मंदिर है, बहुत ही सही मंदिर है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वहाँ जाके। और वहाँ पे हमारी जो टीम है, जो मतलब वीडियो वाली जो टीम है, DOP वगैरह, वो सब ऑलरेडी पहले वहाँ पे पहुँच चुके हैं सुबह ही, तो उन्होंने वहाँ पे पहले थोड़ा सा शूट कर लिया। तो अभी हम जा रहे हैं जाके वहाँ पे, मेरा शूट होगा, मतलब मेरा लिप सिंक लेंगे वो गाने के साथ, और वो गाना गाया भी मैंने ही है। तो हम अभी पहुँचे हैं पपरोला, और हमारे आगे जा रहा है आर्मी का ट्रक, ये देखो। अभी हम म्यूजिक डाल देना है सर। ये मैं डाल दूंगा। तुझे सलाम। ऐसे ही सॉन्ग होते हैं लेकिन, है ना, आर्मी उर्मी के ट्रक चल रहे होते हैं उसमें, है ना। मामा तुझे सलाम। कॉपीराइट आएगा लाइक ARM देगा कॉपीराइट। चल कुछ तो दिया यार। नहीं, डिग्री भी दिए। ये देखो हमारे आगे जा रही है जिमनी, सही गाड़ी लग रही है, देखो पूरा एकदम ऐसे मॉडिफाई करवाया, ऊपर ऐसे छत वत लगा ली है, पीछे चढ़ने के लिए भी लगा ली है। बड़ी ऊंची है ना, दूसरे मंदिर में चढ़ना होता है, ये तो दरवाजा खोल के भी चढ़ जाएंगे। लेकिन लग अच्छी रही है, अच्छी प्यारी लग रही। तो ये जिमनी को हमने ओवरटेक कर लिया था, लेकिन फिर से ये आगे आ गई है। तो ये कोई ना ऐसा एक लेडीज चला रही है, दो बार मतलब ऐसा मरते मरते बचे, अचानक ही रोक दी थी बीच में। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। लेक दिखाते हैं, देखो यहाँ पालमपुर में लेक है यहाँ पे। तो हम अभी पहुंचे हैं पालमपुर, और पुष्पांग को भूख लगी है, उसके लिए सैंडविच लिए। सैंडविच खोलना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठंडी खा लेगा ना, ठंडी ये लो। मैं नहीं दे रहा भाई, मैं खाना खा के आया हूँ। तो जहाँ हम जा रहे हैं बाबा बड़ो, वो अभी भी यहाँ से अराउंड ऐसे तो मेरे साथ 63 किलोमीटर था, तो अभी 63 में से ऐसे 63 था। अभी तक ऐसा समझो कि ऐसा 20 की किलोमीटर हुआ है, तो 40 के करीब और बचा हुआ है, लग जाएगा कम से कम हमें थोड़ा बहुत। पुष्पांग के ऊपर डिपेंड है कितना घंटा लगे हमें। अभी टाइम हो रहा है, टाइम क्या है, 3:10, उन्होंने बुलाया था हमें ऐसे 3:30 पहुंच जाना, तो थोड़ा सा ऐसे बारिश भी लगी ना बीच में, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। ये देखो, ये है हमारे कांगड़ा की लोकल ट्रेन की ट्रैक। अभी हम पहुंचे हैं परोर, और परोर की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ का व्यू बहुत ही सही है, जो जहाँ से अभी आप जा रहे हैं जिस रोड से, यहाँ से बहुत ही सही व्यू आता है। जो कोविड के टाइम में जो क्वारंटीन यहाँ से आए थे ना, सब मुंबई से जो आए होंगे, वो सब परोर में रुके थे। मैं आया था पुणे से, तो मैं रुका था नगरोटा बगवा में, वहाँ पे अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज था, तो मैं वहाँ पे रुका था। लेकिन जो मुंबई से आए थे ना, वो शायद यहाँ पे परोर में रुके थे, तो उनके लिए बहुत सही था कि मतलब व्यू देखने को मिल गया उनको। बाकी कोविड तो होता रहता है। ये देखो, वाह, ओह। तो अब हम पहुंचे हैं नगरोटा, और हम उसी रास्ते से जा रहे हैं जब मैं जैसे 2020 में, हाँ 2020 में मैं क्वारंटीन हुआ था यहाँ पे। कॉलेज है आगे बहुत बड़ा एक, मतलब राजीव गांधी राज्य की कुछ तो कॉलेज है, बहुत ही मतलब बड़ा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तब वो नया नया बन रहा था शायद।
तो हम उसी रास्ते जा रहे हैं। तो मैं वो कॉलेज दिखाता हूँ जहाँ पे मैं क्वारंटीन था 3 दिन के लिए कोरोना के टाइम पे। तो जहाँ मैं क्वारंटीन हुआ था वो जस्ट इसके अपोजिट पीछे है। उस साइड नहीं जा रहे हम, इस साइड जा रहे हैं। क्योंकि हम जा रहे हैं बाबा बड़ो मंदिर, तो वो इस साइड आ रहा है, इस साइड ही आ रहा है। तो शायद मैं वो कॉलेज नहीं दिखा पाऊँ आपको, लेकिन वो मंदिर जरूर दिखाऊंगा। बहुत ही सेम मंदिर है, पूरा सब व्हाइट मार्बल में बना हुआ है, ग्रेइश ग्रेइश है वो व्हाइट मार्बल में, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो हम अभी ऐसी मतलब बहुत ही सही जगह पहुंच गए, पहली बार ही आए हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत ही अच्छा। ये रास्ता जो जा रहा है ये बाबा बड़ो के लिए जा रहा है, लेकिन बीच में जो व्यूज आ रहे हैं ना बहुत ही सही व्यूज आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। मंदिर जो है वो ऊपर जाके गई है, वो हमें दिख गया है वहां से। बस अभी थोड़ा सा और बचा है, बस थोड़ा सा और, अभी हार्डली 2 किलोमीटर है सर, इतना बचा होगा बस, हम पहुंचने वाले। फिर मैं दिखाता हूँ आपको, राधा कृष्ण का मंदिर है बाबा बड़ो। तो फाइनली पहुंच गए हम मंदिर, मैं दिखाता हूँ, देखो ये रहा बाबा बड़ो मंदिर। अभी मैं इसको दिखाऊंगा अंदर से, तो बहुत ही शानदार। और मुझे लगता है जो DOP लोग हैं मेरे को गाली देंगे क्योंकि हम हो गए हैं लेट, मैं हो गया हूँ लेट। उन्होंने बुलाया था 3 बजे, अभी हम पहुँच रहे हैं 4 बजे। थोड़ा सा उनसे भी मिलवाऊंगा मैं आपको, चल यहीं पे होगा। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम बाबा बड़ो मंदिर, और मेरी DOP टीम भी हमें देख रही है गाली देने के लिए, एकदम रेडी है। तो ये है देखो मंदिर, अभी थोड़ा सा लेट हो गया तो शूट कर लेते हैं, मैं जूते खोल लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ शू यहाँ खोल लेना है, जूते खोलने तो यहाँ खोल लेना अगर आना है अंदर तो। तो ये है देखो बाबा बड़ो का मंदिर। कहाँ पे? साइड में। अच्छा राम मंदिर भी है। तो हमारा शूट जो है वो खत्म हो गया, बस फाइनल शूट बचा है। ये है हमारे DOP साहब आशीष, ये इनके साथ सनी और भी टीम है, 2 जन है यहाँ पे, वो नीचे यहाँ पे गई घूम रहे हैं, और अंदर है पुष्पांक। तो हमने कर लिए हैं दर्शन, अभी बस फाइनल शॉट देके निकलेंगे यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं नहीं मैं नहीं देख रहा विकास का शूट हो रहा है, धीरे-धीरे मैं बोल कट करना जोर से बोल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि विकास का शूट हो रहा है, और वो वाला शूट ले लिया था फिर से ले रहे नहीं नहीं साथ में नहीं भाई ऐसे, ये तो ये वाला पूरा ऐसा मैं सोच लिया तो हो गया हमारा शूट खत्म, पैकअप। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे चाय पीने, ये क्या रिकॉर्ड हो रहा था। हाय बॉयज, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हम चाय पीने आए हैं, और बहुत ही अच्छी चाय है यहाँ की, और ये हमारे भाई हैं चाय वाले, ये चाय वाले मैं पी के गया, पी ली तूने तभी हमको लेके आए। तो हम यहाँ पे बहुत ही देखो ऐसे तो कितना मस्त है, प्रॉपर ऑथेंटिक एक होता था ढाबा नहीं 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 एक 2010 वाला वाइब होता था मेरे बॉयज का, ऐसा एक वो दुकान अभी भी सेम एनर्जी, ऐसे ही रेडियो चला है, ऐसे स्टेबलाइजर लगा है, ऐसे ना जब मेरे नाना जी की शॉप थी ना वो भी ऐसे टाइप की, वो भी ऐसे टाइप की, वो भी क्रेजी थी, बस ऐसी चीज ऐसे जब मजा आता है 5 स्टार में तुम खा के क्या कर लोगे, ऐसी जगह पे खाओ 5 स्टार में खाने। तो फाइनली हमारा शूट खत्म हो गया है, और थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया हमने, और अभी हम जा रहे हैं वापस घर। ये है मंदिर, मंदिर फिर से दिखा दो, फिर से दर्शन कर लो मंदिर के। ये देखो कर लो इधर से, ये देखो 3 डबल बिक रही है 4 लाख में ना, नहीं कब ले रहा है गाड़ी बस बस साल जब भी तुम
जाए ना कि गाड़ी वाड़ी लेनी है तो ये ब्लॉग देख लेना, इसमें डाला है मैंने। तो हम अभी आए हैं नगरोटा में, रुके हैं तो हम अभी यहाँ पे एक कौन सी जॉब है, चटकारा ढाबा, यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे चाप, मलाई चाप हमने ऑर्डर किया और साथ में मोमोज भी हैं, मोमोज भी खा रहे हैं। तो मैं घर आ गया हूँ अभी, अभी जस्ट पहुँचा हूँ। बहुत ही लंबा सफ़र था भाई, कम से कम ऐसा 2 घंटे तो जाने में लग गए थे, 2 घंटे आने में लग गए। और मेरे साथ यहाँ पे कौन है, ये कौन है? वानी। वानी आपका खाना हो गया? क्या खाया आपने? घी शक्कर। हैं? शक्कर। घी शक्कर। चलो अभी ब्लॉग एंड कर देंगे, ठीक है? आज के लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉग हो गया, ठीक है? कैसे करते हैं एंड? ओके बाय। बाय। आप कहाँ जाऊँगी? मैं कहीं नहीं जाऊँगा, निन्नी करने। करूँ? निन्नी करो, कैसे करते हैं निन्नी बताओ। चलो ब्लॉग एंड करो अभी। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, बोल। पसंद आएगा। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको लाइक करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। इधर मारो कैमरे पे, मारो कैमरे पे इधर।